तो आने वाले समय में लोग पार्टी से दूर होते रहेंगे। आज मेहनत रंग लाई और टीएमसी ने इतनी ज्यादा सीटों से विजय हासिल की है। सर्वप्रथम मैं पश्चिम बंगाल की जनता को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने हमारी पार्टी पर विश्वास किया और 22 की जगह में 29 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में भेजे। इसके लिए सचमुच बंगाल की जनता धन्यवाद के प्राप्त है एवं पार्टी कार्यकर्ताओं का भी मैं स्वागत करता हूँ, जिनकी अथक मेहनत और प्रयास से हमने ये रिजल्ट प्राप्त किया। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार का इसकी एक मुहिम छेड़ दी थी कि हम 25 सीट जीतेंगे, 27 जीतेंगे, 30 जीतेंगे। लोगों को लगा भी, शायद कई लोग बोलने लगे कि 25 से कम नहीं आएगा, कुछ लोग बोल रहे थे 20 से कम नहीं आएगा, 22 से कम नहीं आएगा, मगर हम लोगों की धारणा थी कि 18 या 15 भी लोग टच कर पाएंगे, लेकिन तो उससे भी नीचे आ जाएगी ये दल, 12 सीट पर आगे से बढ़ जाएगा। ये जनता का आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला, बोल के ये संभव हो पाया। केंद्र सरकार की गलत नीति का कारण भी है। बंगाल के अंदर में पश्चिम बंगाल में जो 100 दिवसीय कार्य के पैसे नहीं दिए गए, लोगों को रोका गया, शौचालय व्यवहार किया गया, उसका भी एक प्रतिफल है कि भाजपा को ये दंड भोगना पड़ा। देखिए उत्तर कलकत्ता से सुदीप दा जो हमारी पार्टी के तो वो अच्छे नेता में एक तो है, मगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी ये 6वीं बार वो पार्लियामेंट में गए हैं और अभी उपराष्ट्रपति की दौड़ में भी वो शामिल है। हमें ऐसा लगता है क्योंकि सदन में सबसे पुराने एमपी के को ही शायद ये पद दिया जाता है, तो उसको इनके साथ में मेरे ख्याल से 1 या 2 इंच ऊपर या नीचे होंगे। यदि हमारा सौभाग्य है, हमारा क्षेत्र का ये सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा एमपी प्राप्त हुआ जो लोकसभा के अंदर, जो उत्तर कलकत्ता के अंदर, जो पार्टी के अंदर हम लोगों का सर्वे सर्वा, हम लोगों को नेतृत्व देते हैं और हमारी बातों को विशेष ध्यान देते हुए लोगों के सेवा, लोगों की सेवाओं में हर समय प्रयास करते हैं। कुछ जगहों से पिछड़ी भी है टीएमसी, कुछ वोटें कम भी आई हैं कुछ बूथों से, कुछ जगहों से जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में, तो क्या ये वजह रही है? क्षेत्र में रहता हूँ, उत्तर कलकत्ता के अंदर में इस बार का जो चुनाव हुआ, दो जगह से दो कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए की दो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग पिछड़ गए, एक था श्यामपुर और एक था जोरासापुर से हम लोग काफ़ी ब्लॉक में पिछड़े। जोरासापुर केंद्र में टोटल 11 ब्लॉक्स है, उसके अंदर में 8 ब्लॉक में हम लोगों को बीजेपी से मात मिली। हम लोग इतने पिछड़ जाएंगे इसका एहसास किसी को भी नहीं हुआ था। कभी तृणमूल कांग्रेस बनने के बाद, सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, तृणमूल कांग्रेस बनने के बाद पहली बार है कि जोरासापुर के अंदर हम लोग इतने ब्लॉक से पीछे। ऐसे क्या चीज़ें रही जो आप भूल हुई है? देखिए मैं संगठन को कमजोर नहीं करूँगा, तो हमारा संगठन और भाजपा का संगठन में आज भी हर ब्लॉक के अंदर हम उनसे 21 या 19 या किसी मामले में, किंतु क्या होता है कि सेनापति, सेना जब भी लड़ाई करती तब सेनापति तरीके का हो तो कमान संभाले, उस सेना को संभाल कर सही काम करा सके। दूसरी बात, ममता जी जो आई थी सत्ता में, उनका आंदोलन हम लोगों ने देखा है, हाजरा मोड़ में मार खाना, सिंगूर आंदोलन करना, नंदीग्राम आंदोलन करना, 26 दिन अनशन पर बैठना, यानी ममता जी ने अपना पूरा जीवन बंगाल के प्रति न्योछावर कर दिया। और बिल्कुल
34 साल के शासन सीपीएम के शासन को यहाँ से निरस्त किया। बिल्कुल 34 साल के अंदर क्या हुआ ये हम लोग जानते हैं। रोड लाइट है मगर जल नहीं रही है, रास्ता है मगर खड्डा है, कहीं पानी भरती है कहीं कुछ भरती है। लोग आ रहे हैं राइटर्स में बैठ जाते हैं मंत्री, कोई भी रास्ते में नहीं आता। सरकार को खुश रखो, ज्योति बसु की आदत थी केंद्र सरकार को खुश रखो। एक ऐसे शासन में जी रहे थे कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं था और किसी को किसी भी चीज़ से मतलब नहीं था। चाहे हम गंदा पानी पी रहे हों, चाहे हम बिना लाइट के रह रहे हों, चाहे छह घंटा हमारे घर में लाइटें नहीं हों, मगर हम जी रहे थे किसी तरह। ये तो ममता जी के अथक प्रयास और संपन्न आंदोलन के तहत बंगाल उस मुक्ति से, बंगाल उस गलत शासन से मुक्ति पाया। बंगाल कलकत्ते के अंदर में 144 सीटें हैं टीएमसी के अंतर्गत, 144 पार्षद में 132 पार्षद हम जीत के आए थे। अभी जो चुनाव ये हुआ उसके अंदर में 144 सीटों पर हम 45 सीटों में जीते। कारण क्या है इसका? इसका मेन कारण एक ही है कि हम जानते हुए भी अनजान बन के बैठे हैं, कोई किसी का विरोध नहीं कर पा रहा है। आज जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन के कामों में जिस प्रकार से खुलेआम बिजनेस हो रहा है, कोई कुछ बोल नहीं सकता, बोलने से थाना पे झूठा एफआईआर दर्ज करके उनको अरेस्ट करवा दिया जाता है। तो जब तक ये चीज़ें जब तक बन नहीं होगी, मेरे ख्याल से पार्टी अवनति की ओर चली जाएगी। क्योंकि कोई भी जनता को दुख देकर कोई भी पार्टी 2026 सामने है, कैसे देख पा रहे हैं? जैसे जिस तरह हमको मानी तो सुधार लाना जरूरी है। आज सबसे पहली बात है, ये तो बहुत ही अच्छी, ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आज हम जोर सकू में 8 ब्लॉकों पीछे हो गए। हमें सबसे पहले ये देखना है, इसका कारण खोजना है कि हम 8 ब्लॉक में पीछे क्यों हुए। आज तक जो चीज़ नहीं हुआ अभी कैसे हो गई? पहली बात तो इसकी 24 की जो दो पार्षद है बीजेपी के, 23 ब्लॉक में और 24 ब्लॉक बाईस, हाँ, कहीं ना कहीं इसका ये रीज़न तो नहीं कि यहाँ पर बीजेपी के पार्षद हैं या बीजेपी पार्टी को यहाँ से वोटिंग हुई है। पार्षद 2010 के बाद लगातार बीजेपी का पार्षद 23 में है और 2010 में जब हमारा कैंडिडेट चुनाव हारा था मात्र 113 वोटों से हारा था। उसके बाद हम किसी पार्ट में नहीं जीत पाए, न एमपी में, न एमएलए में, न हम पार्षद में, कहीं भी हम नहीं जीत पा रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है संगठन मजबूत होने के बाद भी हम कमजोर हैं, आपसी द्वंद्व है। इसको जब तक हमारे ऊपर लेवल के लोग, प्रदेश के लोग जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से ये वार जो चला गया दोनों वार, इसको पता नहीं ये कब वापस आएंगे हमारे पास। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि परिवर्तन कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ब्लॉक प्रेसिडेंट को हटाइए या कंट्रोलर को हटाइए, मैं ये कह रहा हूँ कि सुधार लाइए। कैसे सुधार आएगा ये सोचिए। ब्लॉक प्रेसिडेंट को हटा देने से दूसरा ब्लॉक प्रेसिडेंट बन गया, वो क्या सुधार ला पाएगा? सुधार कैसे आएगा? कमेटी बनानी चाहिए जो ब्लॉक के अंदर लोग हैं उनकी जिम्मेवारियाँ बढ़ा देनी चाहिए कि भाई तुमको ये देखना है, तुमको ये देखना है, उससे कि लोगों के मन में जागरूकता पैदा है। आज मैं हूँ, मैं जब से टीएमसी बनी, तृणमूल कांग्रेस बनी, तब से मैं तृणमूल कांग्रेस करता हूँ, मगर आज तक कोई पद मेरा पास ना, तो मुझे चाहिए ना, मेरे पास है कि नहीं? तो तुम एक कार्य, आज भी मैं कोई भी चुनाव आता है मैं तृणमूल के अलावा किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं जाऊँगा। क्योंकि मैंने ममता जी का आंदोलन देखा है, उनको देखने के बाद मैं समझ गया कि उनसे बढ़िया कोई भी लीडरशिप नहीं दे सकता बंगाल को। मगर अफसोस है कि उनके नेतृत्व में जो लोग उनकी कमान संभाल रहे हैं, जो ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो तृणमूल कांग्रेस की कमान संभाल के बैठे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं पार्टी की।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने जो द्वारे सरकार के माध्यम से कन्याश्री, रूपोश्री, स्वास्थ्य साथी, लक्ष्मी भंडार, ये काफ़ी सारी परियोजनाएं किसानों के लिए, सबके लिए, विधवा भत्ता, सब चीज़ के लिए ममता जी ने सारे वर्गों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आई और उनका लाभ, उनसे लाभान्वित पूरे बंगाल की जनता हो रही है। और ममता जी का हर समय यही प्रयास रहता है, हर साल वो ग्लोबल मीटिंग करती है, व्यवसायी लोगों के साथ बैठ कर मीटिंग करते कि लोग आए और बंगाल में व्यवसाय लगाए। ऐसा आएगा कि हम यहाँ भी सक्सेस होंगे, ममता जी के अथक प्रयास से ये चीज़ भी अच्छी जो आएगी और इसका नतीजा भी बढ़िया आएगा। अभी कल की बात है, मैंने अखबार में पढ़ा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जिला केंद्र में ये कहा है कि हमारे कौन से ज़िले में कितनी ज़मीन सरकार की, राज्य सरकार की है, उसका हिसाब चाहिए। मकसद क्या है इसका? मकसद है कि व्यवसाय बढ़ाओ। अगर ज़मीन के लिए कोई व्यवसाय नहीं कर पा रहा है तो उसको ज़मीन दे।